जिस कृषि कानून की आड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी मंडियां खत्म करना चाहती थी। मंडियां खत्म करके अडानी के सहलो जो पहले कानून बनने से पहले हरियाणा के अंदर पूरी तैयारी हो चुकी थी और जिनकी तैयारियां अब भी चल रही है उनको पनपाना चाहती थी। पुंडरी हल्के के मंडी पे जिस कानून की वजह से जिन साइलों की वजह से ताला लगा दिया गया, किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने अनाज को मंडियों में ना बेचें, जाके सीधे साइलों के अंदर बेचें। आज भाजपा अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मंडियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मंडियां हमारे कृषि विपणन सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, जहाँ पे किसान उम्मीद करता है कि उसका एमएसपी मिलेगी, आढ़ती का और किसान का चूली दामन का जो रिश्ता रहा है, इस सरकार ने उन मंडियों को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। आज कैथल के अंदर भी तीनों मंडियां हड़ताल के ऊपर बैठी हुई है। ये इंडिया गठबंधन कैथल के उन व्यापारियों का समर्थन करता है, पूरे हरियाणा के उन मंडी के आढ़तियों का समर्थन करता है, किसान का समर्थन करता है कि आज सरसों में नमी के नाम पे जो किसान को तंग किया जा रहा है, उसकी फसल को जो खरीदा नहीं जा रहा, अगर मंडी बंद हो जाएंगी तो किसानों को लंबी लंबी लाइन लगा के अडानी के गोदाम के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। और जहां चार दिन तो शायद उनको कोई भाव मिल जाए, परंतु फिर जो आज बिहार के अंदर हालत है, जो बाकी राज्यों के अंदर हालत है, वो हालत हरियाणा और पंजाब के अंदर भी ये केंद्र की सरकार, ये बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है।